yours. Yours. अल्लाह मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली का उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से अपने अपने घरों में सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी करे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग करते हैं आगाज़। तो आज मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने मिट्टी ले लिया है बाल्टी में और पानी ऐड कर लिया, जितना मुझे ज़रूरत था पानी डाल लिया। तो उसको गाढ़ा गाढ़ा मैं मिक्स करके तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ऐसे पोछा लगाते हैं गांव में। तो आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो आप अपने चैनल सरिया जट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जो मेरे लिए न्यू है मेरे चैनल पर उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। जो जो मेरे प्यारे बहन भाई मेरी वीडियो जहाँ जहाँ से भी देखते हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहें, सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह ताला हम एक दूसरे का साथ देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये देख सकते हैं पोछा मैंने आधी दीवार पर लगा लिया है। तो मेरा चूल्हा भी बहुत गंदा था, मैंने सोचा आज क्यों ना कि किचन की सफाई की जाए। तो ये धूप माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकली हुई है। तो मैंने एक दीवार पे पोछा लगा लिया है, अब मैं दूसरी दीवार पे लगा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये देख सकते हैं ऐसे करके पोछा लगाते हैं, ये मिट्टी का पोछा है, मिट्टी और पानी मिक्स करके तो गांव में पोछा लगा देते हैं। तो फिर माशाल्लाह से न्यू बन जाता है किचन। और चूल्हे पर भी लगाऊँगी तो चूल्हा भी न्यू बन जाएगा। दीवार दूसरी पे भी पोछा लगा लिया है, थोड़ा सा रहता है तो ये लगा के तो फिर मैं चूल्हे पे लगाऊंगी। तो चूल्हे की साइडों पे भी लगाऊंगी, नीचे जमीन पे। तो ये मैं चूल्हे को पीछे से लगा लिया है। तो ये इधर से मेरी थोड़ी सी दीवार रहती थी वो मुकम्मल कर रही हूँ। तो धूप आज बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी निकली हुई है धूप माशाल्लाह से। मौसम बिल्कुल आज ठीक था, बड़ा खुशगवार था। तो ये हमारी बिल्ली है, तो मेरे बेटे ने रखी हुई है मानो बिल्ली। तो ये माशाल्लाह से मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करती है। ये बिल्ली की मस्तियाँ देखें। तो ये मेरे बेटे ने रखी हुई है, ये पता क्या करता है, धागा लेके उसके साथ पार नहीं होता, ये किसी परिंदे का गिरा हुआ पार लेके आया था बाहर से कहीं से, उसके साथ धागा बांध के तो फिर उसको हलाता है आगे पीछे, वो पकड़ती है भाग भाग के पकड़ती है। और जब वो पकड़ लेती है तो फिर वो छोड़ती नहीं, बड़ा मजबूत पकड़ती है, दोबारा छोड़ती नहीं उसको पकड़ के ना। तो ये बिल्ली अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते होंगे। तो हमारी बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी बिल्ली है। तो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, बताना आपको किस किस को पसंद आई है बिल्ली। तो जी ये मैंने चूल्हे पे भी पोछा लगा लिया है। अब ये देख सकते हैं मैं चूल्हे पे लगा रही हूँ पोछा। तो अब चूल्हे के अंदर वाली साइड पे मैं लगा रही हूँ पोछा, बाहर वाली साइड पे मैंने लगा लिया है तीनों तरफ। अब मैं अंदर से लगा रही हूँ। तो जी चूल्हे पर मैंने मुकम्मल कर लिया है, अब मैं नीचे लगा रही हूँ चूल्हे के आसपास पोछा। ये आप देख सकते हैं ऐसे गांव में लगाया जाता है पोछा। तो गांव की एक ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरती है, तो आसानियाँ भी होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं। ये मिट्टी लगानी, पोछे लगाने और गैस नहीं होता, लकड़ियाँ जलानी। तो ये गांव में तो दो दिन बाद ऐसे ही लगा देते हैं, फिर न्यू हो जाता है चूल्हा। तभी होती है जो रोटियाँ बनाने वाली होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये देख सकते हैं पोछा मेरा मुकम्मल होने वाला है।
तो इसके बाद मैं क्या करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैंने पोछा लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा न्यू बन गया किचन। पोछा लगाने से दोबारा से न्यू किचन बन गया। अब ये सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब करते हैं क्या कि बर्तन धो लेते हैं, बर्तन हमारा स्टैंड धो लेते हैं। वो हमारी बिल्ली फिर दोबारा आ गई, हमारा पोछा देखने आई है कि मुकम्मल हो गया या अभी रहता है। मुकम्मल तुम्हारा हो गया पोछा। अब माशाल्लाह से मैं नए बर्तन धोने शुरू कर दिए। मैं ये स्टैंड धो रही हूँ बर्तन रखने वाला, दानों के साथ साबुन लगा के इसको अच्छे से मांज लूँगी। जो भी मिट्टी इकट्ठा होगा गर्दो गुबार सारा साफ हो जाएगा। अब मैंने तारे मार लिए थे, तो अब मैंने टूटी खोल के इसको अच्छे से खोलूँगी। ये देख सकते हैं ऐसे, तो ये देख माशाल्लाह से न्यू बन गया। कितना प्यारा कलर निकल आया इसका, मिट्टी गट्टा जो भी था गर्दो गुबार सारा साफ हो गया। तो माशाल्लाह से यह कलर बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये कलर, मेरा फेवरेट कलर है ये। तो जी अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। तो ये है कप, कपों में मैं साबुन लगा रही हूँ। तो ऐसे ही सारे बर्तनों को साबुन लगा लूँगी। तो सफाई की या किचन की तो सारी चीज़ें मैं धोऊँगी। ऐसे ही साबुन लगा लगा के रख लूँगी और इसके बाद फिर सारे धो दूँगी यकदम। तो कपों को कटोरियों में मैंने साबुन लगा दिया। अब तो जी मैं लगा रही हूँ प्लेटों को। साबुन मैंने लगा लिया है, अब मैं इनको धोने लगी हूँ प्लेटों को। फिर आस्था से सारे बर्तन ऐसे ही धो लूँगी। तो आप मेरी वीडियो फुल वॉच करें प्लीज़, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो मेरी फुल वॉच किया करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके भी बता देना आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। तो जी बर्तन मैंने धो लिए हैं। तो अब ये मेरी हांडी है, इसकी कालिस लगी हुई थी, तो इसको मैं ले लगा रही हूँ। मट्टी का ही ले लगाते हैं पोछे की तरह। तो ये मैंने लगा दिया, अब इसको रखेंगे धूप में, रखेंगे धूप में। तो ये सूख जाएगी, ये मैं धूप में रख रही हूँ। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरा किचन न्यू हो गया। ये मेरे पौधे हैं धनिया और लहसुन जो मैंने पहले लगाया था, आपको भी दो तीन वीडियो में पहले दिखाया है। तो ये मैं बर्तन रखने लगी हूँ। तो जी ये मैंने बर्तन रख दिए हैं। करते हैं एंड, मिलेंगे किसी अगली न्यू वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें, खुशियाँ उन्हीं को मिलती हैं जो दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल।